जहां दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा देने की तैयारी की जा रही है। प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है सरकार। सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र, झारखंड, असम और राजस्थान सरकार भी दे रही है प्रोत्साहन राशि। एमपी सरकार वर्तमान साल को मना रही है गौरक्षा वर्ष। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा देने की तैयारी और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा देने की तैयारी कर रही है, क्या है ये पूरा प्लान? देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि केवल जो किसान है, जो खेती के ऊपर ही निर्भर है, वो केवल खेती पर ही निर्भर न रहे बल्कि पशुपालन जो करते हैं उनको उसका भी वाजिब दाम मिले। यानी जो दूध उत्पादक किसान है उनको अब फायदा देने की तैयारी में सरकार है। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है कि जो किसान सहकारी दुग्ध समितियों को अपना दूध बेचते हैं उनको अब 5 रुपए प्रति लीटर अधिक राशि यानी प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो पशुपालन की तरफ आगे बढ़ेंगे और दुग्ध उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। तो हालांकि इसके पहले अगर मैं देखूं तो कई राज्य ऐसे हैं जो अभी तक इस तरह की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हालांकि एक समस्या ये भी है कि अभी जो किसान सहकारी समितियों से जुड़े हैं वो मध्य प्रदेश में लगभग 15% के आसपास ही है। तो सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग खुले में दूध बेचते हैं, हो सकता है कि इस तरह की स्कीम जो लागू दुग्ध उत्पादकों के लिए हो जाए तो वो सहकारी समितियों से ज्यादा जुड़ जाएंगे और ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो अब जो दुग्ध किसान है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लान सरकार लेकर आ रही है, जहां उत्पादक किसानों को फायदा देने की तैयारी कर रही है और प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही अगली कैबिनेट में प्रस्ताव भी सरकार ला सकती है। सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादकों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, असम और राजस्थान सरकार भी ये प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान साल को गौ रक्षा वर्ष मना रही है। हरदा में पुराने बंद मकान की जर्जर दीवार गिर गई। दीवार पड़ोसी के बरामदे की ओर गिरी, जिससे दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। खिड़किया के वार्ड नंबर 14 में हुई इस हादसे से पहले पड़ोसी ने कई बार नगर परिषद और मकान मालिक से जर्जर दीवार की शिकायत की थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई।